अलीगढ़ के हरदुआगंज क्षेत्र के ग्राम चटपुरा में पोखर के किनारे यहां पर एक व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया, जिससे अफरा तफरी भी फैल गई। वहीं पर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 40 वर्षीय राम प्रकाश पुत्र लक्ष्मी नारायण हर रोज की तरह नव दुर्गा के चलते गाँव के अंदर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गया था। आरोप है कि सोमवार की रात को प्रोग्राम खत्म होने के बाद में गाँव के अन्य लोग गाँव के बाहर पोखर के किनारे उसे लेकर गए, जहाँ पर गले में गमछा डालकर उसकी गला घोट कर हत्या कर दी गई। उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। मंगलवार की सुबह गांव के कुछ लोग लघुशंका करने के लिए जब यहां पर गए तो उनकी नजर पोखर पर पड़ी, जहां पर उसका शव पड़ा हुआ दिखा था, जिसके बाद में इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद ग्रामीण यहां पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने मृतकों का शव पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं मृतक के भतीजे दीपक कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि जिन लोगों ने चाचा से रंजिश चल रही थी उन लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। मेरे चाचा की गला घोट कर हत्या कर दी गई है और शव को पोखर के किनारे डाल दिया गया है। थाना प्रभारी ने जानकारी लगते हुए बताया कि यहां पर जटपुरा के पास में शव का पोखर के पास में एक शव मिला है, जिसकी जांच पड़ताल अभी की जा रही है और मृतक के परिजन और थाने में इसकी तहरीर कर दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं परिजनों को शव पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दीपक कुमार। दीपक कहाँ रहते हैं? जटपुरा जिला अलीगढ़। थाना कौन सा? हरदुआगंज। अच्छा ये बताइए कि ये मृतक है कौन है? जी हमारे चाचा के रूप में लगे हैं। क्या नाम है इसका? राम प्रकाश। पिता का नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। अच्छा तो ये क्या घटना हुई है इनके साथ? ये घटना ऐसा है कि पी खा के उछा से मार के फेंक दे, इतनी मालूम पड़ी है बस। अब कबाड़ी के जरिए कौन लोग हैं, किसने मारा? रंजिश थी कोई? हाँ पुरानी रंजिश के रूप में लिखित करवे को वहाँ दे गए ऑर्डर, हाँ थाने आओ लिखित होगी और किसका नाम लेना चाहते हो बताओ। तो कहा उन्होंने दी कि रंजिश वंजिश जी राहुल थे ही बस, और तो कहा तो ना ही। तो फिर बाकी इंटरव्यू ले भी लग गए सब, हम आ गए इधर और वो चले गए पलंग थाने। तो पुरानी हाँ अरमान लगा रहे जाइए, अंगूछा बांध के और कहा कहते वहाँ में पोखर में फेंक दे वहाँ पे, पता ना कैसे तरीका से पिला खिला के मारे हो, ये तो वही है लोग जाने। पुलिस को तहरीर दी है? हाँ पुलिस तुरंत बुलाई है, वो कबाड़ी ने बताई है तो देखते ही पुलिस ने मौके पहुंची, फुल फोर्स आ गई थाने हरदुआगंज की। पोस्टमार्टम करा रही है पुलिस? अब वो उन्होंने लिखित में करके। हाँ आप कहाँ थे पोस्टमार्टम पे? हाँ पोस्टमार्टम पे थाने में तहरीर दी है। हाँ सब थाने। किस तरीके से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? किस तरीके से? जैसे इनके माता पिता को चाहते हो भाई साहब से, देखो अब हम जहाँ से आगे हम अपनी ना बता सकते, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और जो करने वाला है वो कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, जो आगे कोई कार्य दूसरा ना हो कहीं। हरदुआगंज के चटपुरा गांव में पुलिस को पोखर के किनारे शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस को ज्ञात हुई मृतक की पहचान राम प्रकाश पुत्र लक्ष्मी नारायण के रूप में हुई है। परिजनों ने पास के एक संदिग्ध व्यक्ति पर आरोप लगाया गया, संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतक का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। फांसी लग रही है वो छा में नहीं दे, फांसी मार के नहीं है, वीडियो बनाओगा पुलिस का, वीडियो बनाओ खूब ढंग से। हां ले भैया अरे अभी सब मालूम पड़ रही है, अभी अभी हम भाग के नहीं आए के पोखर में डुबा दो, डुबा दो मारो कौन ना, हाथ में लगाओ, दूर रहे, हाथ में लगाइयो, अपने पापा ने फोन कर दियो, वो फोन कर देंगे।